हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल देखे इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बहुत ही खास चीज़ बताने वाला हूँ, और वो खास चीज़ है हमारी आर्टिकल राइटिंग। देखिए इंटरमीडिएट में दोस्तों ये होता है कि देखो, जैसे हाई स्कूल लेवल था, मैंने इसका हाई स्कूल लेवल का भी एक वीडियो डाल रखा हुआ है, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में बताया है। देखिए जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है वो हाई स्कूल में आता है, अब ऐसे नहीं आता है। ऐसे हमारा लिखने का काम बंद हो चुका है, अब हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे को नहीं पूछा जाता है। हाई स्कूल में अब ऐसे के स्थान पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है, कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं तो आप इसका भी मेरे चैनल पर जा करके इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर पता कर लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए आज के वीडियो में दोस्तों आप लोग बताने वाला हूँ इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट के लिए ये वीडियो है, इसमें बताऊंगा मैं कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा जाता है और आर्टिकल राइटिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल राइटिंग है ये ऐसे के स्थान पर आता है। इंटरमीडिएट में भी ऐसे लिखने का प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो चुका है। इंटरमीडिएट में भी ऐसे के स्थान पर अब आर्टिकल राइटिंग मतलब आपके बोर्ड पेपर में आता है लिखने के लिए। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है। देखिए आर्टिकल राइटिंग का पहले मतलब जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। आर्टिकल राइटिंग का मतलब होता है लेख लेखन, इसको हम हिंदी में आर्टिकल राइटिंग को लेख लेखन कहते हैं। अब इसको लिखा कहते मतलब इसको लिखते कैसे हैं हम अपने बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको आर्टिकल राइटिंग आता है किसी टॉपिक पर तो इसको हम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल राइटिंग होता है इसका मतलब होता है लेख लेखन, और इसको लिखा ऐसे जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जब आर्टिकल राइटिंग कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, और उस पर कहेगा कि आप अपना आर्टिकल राइटिंग इस पर बताइए क्या होगा। तो देखिए आर्टिकल राइटिंग में दोस्तों होता क्या है कि किसी चीज का वर्णन किया जाता है। मतलब कहने का है, जैसे आप ऐसे लिखते थे, ऐसे में वर्णन करते थे हेडिंग डाल करके, लेकिन आर्टिकल राइटिंग में दोस्तों इस चीज का ध्यान देना होता है कि जब हम आर्टिकल राइटिंग किसी टॉपिक पर लिखना स्टार्ट करते हैं तो लिखने का तरीका इतना गजब का होना चाहिए कि पढ़ने वाला व्यक्ति जब पढ़ना स्टार्ट करे आपके आर्टिकल को जो आपने लिखा है, तो उसका जो है कि कंसंट्रेशन हटना नहीं चाहिए आपकी राइटिंग से। क्यों? क्योंकि उसके शब्द ऐसे होने चाहिए। आर्टिकल राइटिंग का मतलब होता है आपको अपने शब्द डालने। आर्टिकल राइटिंग में सबसे खास बात दोस्तों यही है कि अपने जो आप आर्टिकल जिस चीज पर लिख रहे हैं उस पर कोई आपका लर्निंग नॉलेज नहीं होना चाहिए, ऐसा नॉलेज जो आपका किसी दूसरे के द्वारा कैच किया गया हो। उसमें आपको स्वयं अपने शब्द, मान लो आप किसी चीज पर, मान लो जैसे आप लिख रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, जैसे कह दिया जाए आपकी राइट आपको आर्टिकल राइटिंग प्राइम मिनिस्टर पर करनी है, तो प्राइम मिनिस्टर पर करनी है तो आपको कोई रटा रटाया नॉलेज उसमें नहीं लिखना है। आप प्रधानमंत्री के बारे में जो जानते हैं आपको अपने शब्द उसमें डालने हैं। आर्टिकल राइटिंग का मेन मतलब दोस्तों यही होता है कि आपको जो आप जानते हैं वही आपको लिखना है। इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है कि कोई लिखा लिखा है आप याद कर ले, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं चलता है। इसमें वही चीज लिखना है जो आपको नॉलेज हो। और दोस्तों एक चीज को याद रखिएगा कि आर्टिकल हमेशा स्टार्टिंग और अंत इतना मजबूत होना चाहिए कि जब आपको आर्टिकल आपका जो आप आर्टिकल लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, जब आपका एग्जामिनर आर्टिकल पढ़ना शुरू करे तो वो फिर अलग हटे नहीं। मतलब कहने का कि इतना आपका बेस्ट आर्टिकल होना चाहिए, उसमें अनुवाद छोटे छोटे ऐसे अनुवाद आपको डालने हैं ताकि उसका ध्यान बिल्कुल हटे ही ना आपके आर्टिकल से। जब वो पढ़ना शुरू करे तो बीच में रुके ही नहीं। आर्टिकल का स्टार्टिंग और आर्टिकल का जो लास्ट स्टेप होता है वो दोस्तों बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल राइटिंग होती है उसमें अगर आप अपने शब्द डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने शब्द डाल रहे हैं उसमें तो इसका मतलब है कि आपको ऐसे शब्द डालने हैं कि जब कोई व्यक्ति या एग्जामिनर या कोई भी व्यक्ति हो आपके आर्टिकल राइटिंग को अगर पढ़ना शुरू करे तो वो पूरा लास्ट तक पढ़े। और स्टार्टिंग आर्टिकल की, आर्टिकल राइटिंग की स्टार्टिंग और जो लास्ट जहां से आप आर्टिकल को समाप्त करेंगे बहुत ही बिंदास होना चाहिए, बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल राइटिंग में हमेशा याद रखिएगा कि शब्द आपके बहुत ही मतलब कि चुने हुए होने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो स्वयं के शब्दों से लिखा जाता है। तो
तो यही मतलब होता है हमारा आर्टिकल राइटिंग का। पहले क्या था कि हमारा एसे आता था तो हम हेडिंग डाल के सब कुछ लिखते थे, लेकिन आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, इसमें हम जो है कि एसे की तरह नहीं लिखते हैं कि हेडिंग डाल के लिखेंगे, इसमें हम पैराग्राफ के हिसाब से लिखते हैं, हम पैराग्राफ बना बना कर लिखेंगे, इसमें भी हम हेडिंग का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आर्टिकल राइटिंग होता है इसका मतलब होता है लेख लेखन, इसको हिंदी में बोलते हैं लेख लेखन, और ये होना एक डिस्क्रिप्टिव हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णात्मक, मतलब कि जब आप लिखना शुरू करें तो जब कोई भी व्यक्ति अगर इसको पढ़ना शुरू कर दे तो उसका जो कंसेंट्रेशन है उससे हटना नहीं चाहिए, इसमें छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए और आर्टिकल का अंत बहुत ही बिंदास होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे शब्द आपको डालने हैं कि ताकि कोई व्यक्ति आपके आर्टिकल राइटिंग को पढ़े तो आपको बेहतरीन एग्जाम में नंबर दे सके, भले वो कोई भी हो, एग्जामिनर भी हो सकता है, या फिर आर्टिकल राइटिंग आपको मान लो ऐसे ही लिखना है तो वो भी आप लोग इस वीडियो में जान लीजिए कि आर्टिकल का स्टार्टिंग और लास्ट बहुत ही मजबूत रखा जाता है। और ध्यान रखिएगा ऐसे में हम हेडिंग डाल के रटा रटा, देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि चीज को रट के लिखते हैं, देखिए रटने वाली चीज उतना परफेक्ट नहीं होती है जितना आप सेल्फ डिफेंस होके करेंगे, समझ गए, जो जो चीज आप अपने आत्मरक्षक अपने अपने हिसाब से लिखेंगे, अपनी ओन वर्ड डालेंगे, अपने वर्ड स्वयं के डालेंगे, अपना नॉलेज आप दिखाएंगे उसमें, अपना नॉलेज का मतलब होता है जो तुम्हारे अंदर नॉलेज है बनाने का ट्रांसलेशन, वो नॉलेज देखा जाता है आर्टिकल राइटिंग, आप कितना बेहतर से बेहतर सुंदर से सुंदर एवं शुद्ध एवं साफ आर्टिकल लिख सकते हैं ये आपको दिखाना है आर्टिकल राइटिंग में, आपके अंदर कितना नॉलेज है राइटिंग करने का, आप कितना अच्छा आपको ट्रांसलेशन आता है, आप कितने छोटे छोटे ऐसे शब्द लुभावने बना सकते हैं ताकि जो आर्टिकल राइटिंग पढ़ेगा तो वो खुश हो जाए बिल्कुल। तो यही मतलब होता है आर्टिकल राइटिंग का कि अपने ओन वर्ड अपने स्वयं के वर्ड आपको उसमें डालने, स्वयं के वर्ड डालने हैं और स्टार्टिंग और लास्ट बहुत ही मजबूत रखना है और आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है, जो भी आप जानते हैं उसमें एक एक चीज, मान लो प्रधानमंत्री के बारे में जैसे आपको लिखना है तो प्रधानमंत्री कहाँ थे, कौन थे, इसके बाद प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, उन्होंने किस किस समय पे क्या क्या काम किया, उन उन प्रधानमंत्री बनने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं, या फिर जो भी जैसा भी होता, मतलब एक मैं ब्यौरा आपको बता रहा हूं कि किसी भी चीज पर अगर आर्टिकल लिखा जाता है तो उसका पूरा संक्षेप दोस्तों लिखना पड़ता है, उसमें कोई भी चीज हटानी नहीं होती है, आप किसी के बारे में लिख रहे हैं तो उसका जन्म से लेकर के पूरा एट लास्ट अगर वो मृत्यु हो गई है तो मृत्यु तक, और उसने जन्म से मृत्यु तक क्या किया, कैसे किया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, मतलब किसी पर्सन पर अगर आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है तो, और जैसे मान लो कोई चीज, जैसे मान लो हमारा आ जाता है जैसे पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषण के लिए भी बहुत आर्टिकल लिखने के लिए आता है टॉपिक, तो उसमें भी सेम यही है, बिल्कुल सेम ऐसे की तरह ही लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना है आपको, बट आपको अपने शब्द डालने हैं, बस ऐसे और आर्टिकल राइटिंग में यही फर्क है, ऐसे हम बनाकर भी लिख सकते हैं या कुछ नॉलेज हो जो भी वो लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, बनावटी हेडिंग भी डाल सकते हैं, बट आर्टिकल में ऐसा नहीं चलेगा, आर्टिकल में आपको अपने शब्द डालने, आप क्या जानते हो उसके बारे में, आपके शब्द वहां पर चलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग इसकी जो है कि शुरुआत बहुत अच्छे से कीजिएगा आर्टिकल लिखने की, क्योंकि ये बिल्कुल नया है अब, क्योंकि ऐसे का दौर अब खत्म हो चुका है, उसके स्थान पर इंटरमीडिएट में राइटिंग ये राइटिंग का काम आ चुका है हमारा आर्टिकल राइटिंग का। तो आशा करता हूँ दोस्तों अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस चीज के बारे में पता चले कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, और चैनल पर बने रहने के लिए इसी टाइप की आपको ग्रामर टिप्स कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है आपको ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।